सर, मराठी फिल्म इंडस्ट्री जो है हर साल एक ना एक छक्का मार रही है, एंड दिस अ ग्रेट साइन फॉर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। हमारी फिल्मों की भी ज़रूरत है कि हम ऐसी फिल्में बनाएं जो कि यूनिवर्सल ऑडियंस को एड्रेस कर सकें, और ये फिल्म एक नई लैंग्वेज है। ये फिल्म नए स्वरूप, जो हमारी नया सिनेमा जो उभरेगा, इस यंग जनरेशन जो नया सिनेमा लेके आएगा, ये उसकी पहचान है। एंड ये फिल्म है जो हमें हॉलीवुड से कम्पीट करने को, इस तरह की फिल्में जो हैं जो हॉलीवुड से कम्पीट करने को हमें हिम्मत देंगे। What makes it masterpiece? It's the connection in the subject, in the adaptation, and the style of making, the way people are connecting, and the way he has connected to the story, and the way he explored it, it's fantastic. So, is this based on a true story? That you have to ask the director. Because would you mention regional cinema? आप या production में या? Oh yes, regional cinema ही मतलब जो है एक नए किस्म का cinema create कर रहा है। जितना Hollywood और जो हिंदी cinema है वो जितना ज़्यादा popular हो रहा है, साथ में regional cinema भी हो रहा है, ताकि और मराठी cinema उसका prime example है। हर साल कुछ ना कोई एक अच्छी फिल्म वहाँ से आ रही, और ये नई यंग जनरेशन जो है, आई थिंक और कई जगह पे भी रीजनल सिनेमा ऐसे और फ्रेश सिनेमा के साथ उभरेगा, मुझे ऐसा लगता है। आई सॉ द फिल्म एंड आई लव्ड इट, एंड मैंने ये फिल्म देखी और मुझे बहुत अच्छी लगी, और मुझे लगा कि हमारा जो यंग जनरेशन है वो हॉलीवुड का सिनेमा बहुत ज़्यादा देखता है, वो हमारी फिल्म कई बार नहीं देखता है, तो मुझे इसलिए लगा कि मैं इसका स्क्रीनिंग करवाता हूँ, और मेरे जितने बच्चों के दोस्त हैं और आसपास के लोग हैं सबको बुला के यंग जनरेशन को एक बार इसका टेस्ट देता हूँ, ताकि उनको पता चले कि हमारे सिनेमा में क्या हो रहा है। आई थिंक ये लर्निंग वर्निंग का मुझे पता नहीं, जिसका जो डायरेक्टर का जैसा टेम्परामेंट है वो लर्न करेगा। आई डोंट नो व्हाट टू से जी। सी न्यू कमर्स एक जिस तरह से डायरेक्टर उनको इस्तेमाल करता है, जिस तरह डायरेक्टर उनको यूज़ करता है कहानी के अंदर, वो बहुत फैंटास्टिक है, और दे हैव डन अ आउटस्टैंडिंग जॉब। सी दिस इज सर, ऐसा है जब तक कि जब ऑस्कर सिलेक्शन जब होता है और बाकी जब फिल्में आती तो आपको उन सबको देख के बोलना पड़ता है। आपका मन तो करता है, आपको इतनी अच्छी लगी है फिल्म का, आपको लगता है कि हाँ इसको बोल दो कि यार यही है, अब आगे क्या फिल्में आएंगी क्या नहीं आएंगी उसके बारे में हमें क्या पता। बट वो सिलेक्शन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी फिल्मों के लिए। इरफान सर, आपने शाहरुख खान के साथ एक प्रैंक किया था एक अवार्ड फंक्शन पे, तो आपको लगता है कि इस तरह की फिल्में अब इंडियन कमर्शियल फिल्मों को भी ओवरटेक कर जाएंगी? देखिए, आपने कुछ बातें अपनी कहनी चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि सिनेमा जितना डाइवर्स होता है उतना ऑडियंस के लिए अच्छा होता है और इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। हमारी ऑडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही है, और हमारी इंडस्ट्री उससे कोप अप नहीं कर पा रही है, वो बहुत इसीलिए हॉलीवुड की फिल्में इतना पैसा कमा रही हैं, क्योंकि हमारी ऑडियंस की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो सिनेमा नया ऐसा उभरेगा, और इस तरह ये सिनेमा जो है और नए सिनेमा को इंस्पायर करेगा, और इस तरह का सिनेमा बनता रहेगा तो आई थिंक वो किसी को भी मात दे, लेकिन हमारा सिनेमा आगे बढ़ेगा। आउटस्टैंडिंग फिल्म अगेन, आई थिंक इट शुड हैव वन द नेशनल अवार्ड फॉर नाना जी, लेकिन एनीवे मैं तो थानी जूरी में। ओ यस, मराठी सिनेमा में उमेश कुलकर्णी की फिल्में जब उन्होंने बनाना शुरू की थी, विहीर और देवउल और ये सब बनाई थी, तब मुझे पता चला कि वो बहुत इंटरेस्टिंग काम हो रहा है, तब से मैं मराठी सिनेमा के टच में हूँ, उनमें देख रहा हूँ। सर, कंगना एयरपोर्ट स्पॉट में उन्होंने कहा कि आपके साथ उनको छोटा सा भी रोल मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, क्या कहना चाहेंगे आपने अभी उस दिन मदारी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में? हाँ, ऐसा क्यों बोल रही? ऐसा वो क्यों बोला कि बहुत छोटा सा रोल भी अगर आपके साथ मिल जाए, मतलब आप एक लेजेंडरी एक्टर उनकी नज़र में? पूछते हैं उनकी नज़र में आप एक लेजेंडरी एक्टर हैं सर। कंगना, हेलो हेलो, नो कमेंट। बोलिए, नो कमेंट बोला है ऑन, आप भी बोला नो कमेंट सर, अभी नहीं बोला, उन्होंने बोला कि आपके साथ छोटा सा रोल मिला, क्या कहना चाहेंगे इस बात? छोटा फिर मैं क्या करूंगा यार, छोटे से रोल के साथ उनको बराबर का रोल चाहिए, उनके साथ काम करने का मजा आएगा, छोटे से रोल करेंगे तो हमें काम करने में मजा कैसे आएगा? उन्होंने मेरे लिए कहा होगा, उन्होंने ये कहा होगा कि मुझे इरफान को अगर छोटा सा भी रोल मिला। आपको लेजेंडरी एक्टर कहा है? नहीं नहीं, वो भी लेजेंडरी है, बड़ापन है वो। अच्छा, टू डीपली एंजॉय टू एक्ट इन मराठी मूवी? ओ यस सर, व्हाई नॉट, मुझे अगर अच्छा रोल मिलेगा, अच्छा डायरेक्टर मिलेगा, जरूर करूंगा मैं, और दौड़ के करूंगा मैं। सर, जो फिल्म है साउथ इंडियन लैंग्वेज में भी हो रही है तो क्या
कि इसका हिंदी वर्जन भी बने? ये मुझे नहीं पता, ये देखिए डायरेक्टर का टेक है, मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बता सकता, ये उनकी इच्छा है, वो बनाए ना बनाए, लेकिन ये फिल्म जितना स्प्रेड हो अपने ओरिजिनल फॉर्म में उतना अच्छा है। बस हमारा दिल खुश हुआ है, मतलब जो बातें हुई वो आपको धीरे धीरे पता चलेगी, बट हमारा दिल खुश हुआ कि वो उन्होंने, क्योंकि देखिए एक बात बहुत ज़रूरी है कि एक आदमी नया डायरेक्टर जो पहली फिल्म बनाता है और वो बहुत अच्छी होती है तो उसके लिए दूसरी फिल्म बनाना उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि उसका जितना भी जो भी उसके पास खजाना था वो पहली फिल्म में जो है वो सब एक्सपोज हो चुका होता है। दूसरी फिल्म इतनी सक्सेसफुल बनाना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट बात है किसी भी सक्सेसफुल डायरेक्टर के लिए, और ये उसने नागराज ने किया है एंड आई सल्यूट टू हिम। आई नो मदारी का ट्रेलर बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को एंड बहुत सारे लोगों को पसंद आ रहा है, आई होप फिल्म भी आपको पसंद आएगी और जल्दी आपके सामने ले जाएंगे। ठीक है यहाँ पे जी सर जी क्या कर रहे हैं? सॉरी सॉरी।